हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यू डिजिटल क्लासेस। आई एम वर्षा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन। आज का आपका टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन। इट इज यूजफुल फॉर बीटेक फर्स्ट सेम एंड बीसीए फर्स्ट सेम स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं जिनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, जिनका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो आपका रहता है, आपने इसके पहले थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम चेंज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, इसमें हम जीरो एंड वन डिजिट को यूज करते हैं। इसका जो बेस होता है वो टू डिजिट का होता है, यानी कि इसमें जो यूज किया जाएगा वो जीरो और वन से ही हम नंबर को बनाएंगे। इसका चेंजेस हम कर सकते हैं ऑक्टल में, डेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल में। इसी तरह से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को जिसका बेस क्या होता है, इसका बेस होगा आपका 0 to 7, यानी कि इसमें जो नंबर आएंगे वो आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सब मिला के आपके टोटल, यदि आप काउंट करेंगे 0 to 7, तो 8 डिजिट हो जाता है। इसका बेस जो रहता है वो 8 रहता है। इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रहता है आपका 8, या रेडिक्स हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं 8 नंबर को। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम बोलते हैं इसका जो बेस रहता है वो रहता है आपका 8, 10। इसका बेस रहेगा 10। इसमें नंबर जो होंगे वो 0 to 9 होंगे, 0 to 9 डिजिट तक ही चलेगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये इनको आप काउंट करेंगे 0 to 9, तो आपका टोटल कितनी 10 नंबर आ जाएंगे, इसलिए इसका बेस होता है 10। इसी तरह से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए जो बेस होता है, और इसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस इसका होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। यहाँ पे हम 0 to 15 तक चलते हैं, जहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को, चूँकि ये क्या हो जाता है, 2 बिट में आ जाता है, यहाँ पे 1 और 0 दोनों हो जाता है। जब हम इसको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 2 डिजिट में है, तो यहाँ पे हम 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से 13 को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 14 को हम ई से एफ रिप्रेजेंट करते हैं, और 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। और मैं एक बार और बता दूं कि बाइनरी का बेस होता है 2, यहाँ पे डिजिट आते हैं 0 और 1। अब हम देखेंगे इन्हीं नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्जन करके। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। डेसिमल में आपका, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डेसिमल में 0 to 9 जाता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके लिए, इस टेबल को समझने से पहले हम एक टेबल और बताएंगे जिसके लिए बेस होता है। यहाँ पे बेस नंबर लेते हैं हम इस टेबल को रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसका बेस होता है, हम लेके चलेंगे 8, 4, 2 and 1। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने लिया है
चारों नंबर सिस्टम को आपस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी, बाइनरी में हमारे पास डिजिट जो रहते हैं, जो डिजिट यूज किए जाते हैं, वो जीरो और वन के फॉर्म में किया जाता है। ऑक्टल में हम जीरो से लेकर सेवन तक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से डेसिमल में 0 to 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में 0 to 15 रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस टेबल को समझने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाएंगे आपके लिए 0 to लेके। ये टेबल सबके लिए रहेगी, यानी कि 0 to 15 के लिए, जो कि हेक्साडेसिमल इसी में आ जाएगा, इसी में डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, इसी में आपका डेसिमल और इसी में बाइनरी ऑक्टल भी। तो हम देखेंगे जीरो हम सबसे पहले बेस क्या लेंगे, जो नंबर लेंगे वो लेंगे 8421। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने जैसा आपको बताया था कि 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 13 को हम करते हैं डी से डी, और 14 को हम करते हैं ई से, इसी तरह से हम 15 को करते हैं एफ से रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8421, यहाँ पे हमें जो भी नंबर रिस्पॉन्स में होगा, इस नंबर को जो बेस नंबर हमने लिया है, इस नंबर में हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि वो नंबर मिल रहा है, वहाँ पे हम वन से लिखेंगे, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, और जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे हम जीरो नंबर, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है, मशीनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि आपके पास डिजिटल डिजिट समझता है वो, तो आपके पास डिजिट क्या रहता है, जीरो और वन के फॉर्म में, तो इसलिए इस टेबल का यूज किया जाता है। तो जीरो हम देख रहे हैं कि इस नंबर में कहीं पर नहीं है, यानी कि सभी के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स जीरो आ जाएगा। वन हमें मिल रहा है, इसमें देख सकते हैं आप, तो वन के नीचे हम वन लिख देंगे, यानी कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन और सभी के नीचे नहीं है तो हम जीरो 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 लिख देंगे। इसी तरह से टू हमारे पास रिस्पॉन्स है तो हम वन लिखेंगे और इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। थ्री को हम लिख सकते हैं टू और वन को ऐड करके, तो हम इसके नीचे वन वन लिख देंगे। इसी तरह से हम फोर के नीचे आप वन लिखेंगे, बाकी सबके नीचे क्योंकि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम जीरो लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे फाइव का, तो फाइव को हम लिख सकते हैं फोर प्लस वन मतलब फाइव हो जाएगा, तो हम किसको फोर और वन के नीचे रिस्पॉन्स लिख देंगे, बाकी हमारे पास जो रिस्पॉन्स नहीं है उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स का हम देख सकते हैं कि फोर और वन से रिस्पॉन्स, फोर और टू से मिल पाएगा हमें, तो उन दोनों के नीचे हमने वन लिख दिया, बाकी सबके नीचे जीरो लिख दिया। इसी तरह से सेवन देखिए, तो सेवन का 4, 2, 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 नंबर आ जाएगा और 8 के नीचे हम 0 लिख देंगे। 8 में हमें दिखेगा कि 8 के नीचे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, बाकी सबके नीचे ज़रूरत ही नहीं है। 9 का हम देखेंगे तो 9 के लिए 8 और 1 का, तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स है, बाकी 0। अब 10 के लिए हम देखेंगे तो 8 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, इसलिए हमने रिस्पॉन्स 1 लिख दिया है वहाँ पे और के नीचे हमने 0 लिख दिया है। 11 को हम यदि करेंगे तो 11 हमारा हो जाता 8, 2 और 1 को मिलाकर। 12 के लिए हम देखेंगे 8, 4, 12, बाकी सबके नीचे 0। 13 को हम देखेंगे तो 8, 4, 12 और 1, 2 के नीचे 0 आ जाएगा। 14 के लिए हमें 8, 4, 12 और 2, 14, तो यानी कि हमारे पास यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 के नीचे भी और 1 के नीचे 0 होगा। 15 में हमें चारों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि चारों ही हमें डिजिट को लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास रिस्पॉन्स आ पाएगा, तो हमने 1, 1 लिख दिया है। तो इस टेबल को समझने से पहले हमें ये टेबल को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर कहाँ से आए, बहुत ही ईजी फॉर्म है। क्या बेस एक नंबर ले सकते हैं जो कि 8421 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इस टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर हमें चाहिए है, यानी कि हमने बोला था आपको कि हेक्साडेसिमल जो मैक्सिमम नंबर है जिसका बेस 16 है, वहाँ तक हमने लेके चला, चूँकि यहाँ पे 15 इसलिए आया, यदि आप 0 से काउंट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा 1 से 15 तक और 0 16 नंबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 0 तो हमें कहीं नहीं है बेस में, तो हमने 0 0 लिख दिया।
फिर हमने वन देखा तो वन के नीचे वन रिस्पांस मिल रहा, हमने वहाँ पे वन लिख दिया, बाकी सबके नीचे जीरो लिख दिया। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे और 15 नंबर में हमें सभी को सभी का रिस्पांस चाहिए पड़ेगा, तो हमने सबके नीचे वन वन लिख दिया है, सभी नंबर को ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ये वाली टेबल, तो इसमें आप देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास जो आपका कंप्यूटर सिस्टम समझता है वो क्या समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आपने देखा कि 000 या 01 दो ही नंबर मिलेंगे, 0 और 1 दो ही डिजिट में आपका पूरा ये नंबर सिस्टम रहेगा। तो आप देखते हैं कि यदि हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 00 रहेगा, 1 को करना है तो 1 के नीचे आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे 1 के नीचे आ जाएगा। 2 में यदि हमको 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा। 3 में क्या करेंगे, हम 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के नीचे भी और 1 के नीचे भी 1 आ गया। इसी तरह से 4 हम देखेंगे तो 4 के नीचे, चूंकि हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेके चल रहे हैं, 20 8421। अब हम देखेंगे 5 को, तो 5 को हम क्या करेंगे, 4 और 1 को ऐड करके 5 नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। 6 के लिए हम 42 को ऐड कर देंगे, 7 के लिए हमें 421 को ऐड करना पड़ेगा, 8 के लिए हमें डायरेक्टली 8 के नीचे हम रिस्पांस लिख देंगे, और 9 के लिए हमें 8 और 1 को ऐड करना पड़ेगा, 10 के लिए हमें 8 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, 11 के लिए हमें 8 2 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमने 11 के लिए 8 2 और 1 को ले लिया है, यानी कि उसके नीचे रिस्पांस लिख दिया। इसी तरह से 12 में हम 8 और 4 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो हमें लेना है नंबर उसके नीचे हम 1 1 लिख देंगे। 13 में हम देखेंगे 8 4 12 और 1 13। 14 में हमारा 8 4 12 और 2 14। इसी तरह से 15 में हमारा सब कुछ आ जाएगा, यानी कि चारों नंबर के नीचे हमें रिस्पांस लिखना पड़ेगा, तब जाके 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हाँ इसके पहले नेक्स्ट स्लाइड से पहले हम ऑक्टल में देखेंगे। ऑक्टल में इसी नंबर को लिया गया है, लेकिन कितनी बिट लेना हमें, 3 बिट लेने हैं। हेक्साडेसिमल में हमें कितने बिट लेने हैं, 4 बिट लेने हैं। ये आपका यहाँ पे रहेगा, सेम वही है, बस आप क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, यानी कि पीछे की 421 को आप लिखेंगे यहाँ पे, 421 को हम लेंगे, हेक्साडेसिमल में 8421 को हम लेंगे। और डेसिमल में आपका क्या रहता है, 0 to 9 तक लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपका इसके लिए था, देखो हमने 10 को क्या लिखा है यहाँ पे, ए लिखा है, 11 को हमने बी लिखा है, 12 को हमने सी लिखा है, 13 को हमने डी लिखा है, 14 को ई लिखा है, इसी तरह से हमने 15 को एफ लिखा है हेक्साडेसिमल में। चूँकि आपके पास 2 डिजिट में आता है, यहाँ पे 2 डिजिट हो जाते हैं 01, तो यहाँ पे आगे आपको नंबर रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे उसी टेबल की हेल्प से नंबर कन्वर्जन। अब हम देखेंगे सबसे पहले किसमें, बाइनरी टू डेसिमल, जब हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है। बाइनरी का मैंने आपको बताया था कि बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है और डेसिमल का बेस होता है हमारा 10। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बाइनरी में लिखा हुआ, और नंबर जिसमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है, वो है डेसिमल, तो इसमें बेस 10 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, ये कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट और ये कहलाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब हम इंटीग्रल पार्ट को लिखेंगे तो इसमें के लिए हम डायरेक्शन ये वाला लिखेंगे, लिखने के लिए लेंगे, और फ्रैक्शनल के लिए हम यहाँ से मतलब ये लेंगे हम इस डायरेक्शन में, और इस इंटीग्रल पार्ट को लेंगे हम इस डायरेक्शन में, इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे हम, इंटीग्रल पार्ट। चलिए हम दोबारा अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, इंटीग्रल पार्ट ये हमारा कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और ये हमारा कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, और इंटीग्रल पार्ट को लिखेंगे हम राइट टू लेफ्ट, जब हम नंबर कन्वर्जन के होने के बाद रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ फॉर टेक इंटीग्रल पार्ट, यानी कि मैंने सबसे पहले कौन सा ले लिया, इंटीग्रल पार्ट को मैं करके दिखाती हूँ आपको, टेक इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, 1 1 0 1 1, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो इसके लिए जो हमारे पास मेथड होती है वो है आपका बेस है, इसी बेस को हम लेके जो हमारे पास नंबर है इस नंबर को हमने यहाँ पर लिया, और बेस हमारा 2 है तो 2 की पावर सबसे पहले 0 आएगा, 2 के ऊपर पावर, प्लस करते जाएंगे हम राइट टू लेफ्ट में चले जाएंगे,
टू की पावर वन, यहाँ पे जीरो टू की पावर टू, अब हम इस नंबर को लेंगे टू की पावर थ्री, और यहाँ पे टू की पावर फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे वन में। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं जैसा कि टू की पावर जीरो का, टू की पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो इसका आ जाएगा आपका वन, टू वन जा टू, यहाँ पे हमारा फोर हो जाएगा बट जीरो के कारण हमारा जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एट हो जाएगा, टू की पावर थ्री का मतलब होता है एट, और टू की पावर फोर का मतलब होता है सिक्सटीन। इन सारे सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो सोलह और आठ चौबीस, चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, यहाँ पे हमारा 27 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होगा डेसिमल में वो 27 नंबर आ जाएगा, तो 27। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में आपके पास रहेगा 1010, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, यहाँ पे हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा इसमें नंबर में, तो टू की पावर वन का हम इसमें डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे हम लेंगे, चूँकि मैंने बोला था यहाँ पे हमें लेना है राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे हमें लेना है लेफ्ट टू राइट, तो जीरो और इसमें पावर का टू की पावर टू का मल्टी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ वन में मल्टीप्लाई होगा टू की पावर थ्री का वन अपॉन में यहाँ पे टू की पावर फोर का। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा आपका टू, यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एट आ जाएगा और यहाँ पे आपका फिर से जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, आठ का आप मल्टीप्लाई करिएगा तो डिवाइड करिएगा आठ का दस में, तो क्या हो जाएगा आठ ही कम आठ, और आठ ही कम आठ फिर से हो गया आठ नाम बहत्तर अर्धम अस्सी हाँ, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे जीरो हो गया आठ ही कम आठ, यहाँ पर आपका इसी तरह से हो जाएगा, ये फिर से जीरो आ जाएगा, आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा जीरो, फिर टू आठ ही कम आठ, और आपका क्या हो जाएगा सो, फिर आ जाएगा आपका अर्धम अस्सी यहाँ पे टू फाइव आ जाएगा आपका, तो टू फाइव लिख देना, आप इसको ऐड कर सकते हैं फाइव, यहाँ पे टू आ जाएगा सिक्स, ये इस तरह से आपका आ जाएगा डेसिमल में, तो ये आप लिख सकते हैं सिक्स टू फाइव, ये आपका डेसिमल में नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो आगे स्लाइड में आप देखेंगे नंबर कन्वर्जन, ये रहेगा आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमें क्या करना है कि हमारे पास नंबर रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में, इसको हम ले जाएंगे हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे जो हम ये हमने मैंने बताया था कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो जब भी हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो हम चेंज करते हैं, इसके लिए हमें इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ्ट फोर डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तो ये हम फोर डिजिट ले रहे हैं, और यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट टू राइट जाना होता है, फोर डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो उसी टेबल से जो हमने लिया था, जो मैंने बताया था 8421 डिजिट की हेल्प से हम यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आप देख सकते हैं हमने फोर डिजिट का बनाया है, तो फोर डिजिट का कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे ये जीरो, ये वन का होगा, ये टू का होगा, ये फोर का होगा और ये एट का होगा, तो रिस्पॉन्स हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है फोर और टू में, तो इस तरह से हमारा नंबर होगा ये सिक्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी तरह से कि हमें एट और टू में मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो एट टू कितना हो जाता है टेन, और टेन को हम लिखते हैं ए। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है एट फोर टू में और वन में नहीं मिल रहा है, तो एट फोर ट्वेल्व एंड टू कितना हो जाएगा फोर्टीन, और फोर्टीन को हम लिखते होते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमें फोर में ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो इतना होगा। अब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट फॉर इंटीग्रल पार्ट के लिए, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स ओनली टू में मिल रहा है, तो ये नंबर होगा टू का, यहाँ पे हमें चारों में ही रिस्पॉन्स मिल गया, यानी कि ये नंबर होगा एफ का यानी कि 15, और यहाँ पे हमें फोर एट में मिल रहा है और टू में मिल रहा है, तो आठ दो दस हो जाता है, और दस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर आ गया आपका कन्वर्जन के बाद, तो हम लिखेंगे फोर ई
ए 6.2 एफ ए, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। किससे? ये आएगा हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इस तरह से ये वाला नंबर कन्वर्जन हो गया, यानी कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया है। अब आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में हम क्या करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने देखा है कि ऑक्टल का जो रहता है बेस, वो रहता है 0 to 8 बेस रहता है, और नंबर इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to 7 तक। तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो 7 से ज़्यादा नहीं आएगा, और यहाँ पे जो हमारा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी में 0 और 1 का ही यूज होता है, तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ऑक्टल में जो हमारे पास रहता है, ऑक्टल में हमारे पास हम 3 बिट का लेते हैं और बाइनरी में 4 बिट का, हेक्साडेसिमल में भी 4 बिट का हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर कन्वर्जन हम करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो हम सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को ही चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं साथ में लिखते जा रही हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप देखेंगे पॉइंट दशमलव के पहले कि 4 को मैं रिप्रेजेंट करना है, तो 4 के लिए हम वही नंबर फिर से ले लेंगे 8 4। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे 8 4 2 1, चूँकि हमें ये किस में रिप्रेजेंट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 4 को हम देखेंगे कि हमारे पास 8 के नीचे तो हम 0 लेंगे, 4 के नीचे हम 1 लिख देंगे, बाकी 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया 4 का रिप्रेजेंटेशन। 0 के लिए तो हमारा पूरा ही 0 हो जाएगा, और 4 के लिए फिर से वही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट। अब आप देखेंगे इसका नंबर जो कि बाइनरी में, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 8 के नीचे 0 रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, 4 के नीचे रिस्पॉन्स नहीं चाहिए हमें, 2 के नीचे चाहिए, तो हमने 1 लिख दिया। 4 के नीचे फिर से 8 तो 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा 1, बाकी 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। 5 के लिए हमें 4 और 1 की हेल्प चाहिए पड़ेगी, तो हमने ये रिस्पॉन्स लिख दिया। इस पूरे का रिप्रेजेंटेशन यानी कि हमारे ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन जो हो गया है बाइनरी में, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या रहेगा हमारे पास 0 1 0 0 0 0 0 1 0, और यहाँ पे हमारा 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1। ये हमारा किस में आ गया है? ऑक्टल से बाइनरी नंबर सिस्टम में। मैंने जैसे आपके बताया था फर्स्टली कि जो हमारे पास ऑक्टल रहेगा वो नंबर 7 से ज़्यादा नहीं होगा, और बाइनरी में 0 और 1 के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल में हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमने देखा ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो फर्स्टली हम देखेंगे पहले इंटीग्रल पार्ट को, और फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। जब हम ऑक्टल टू डेसिमल जाते हैं तो ये हमेशा एक मेथड मतलब करते हैं कि जब भी डेसिमल में किसी नंबर को चेंज करना है तो हम उसी नंबर का जो जिसे हम चेंज कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे 7 में मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 0 का, 5 में मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 1 का, प्लस कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट रहेगा, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे डिवाइड होगा 8 की पावर 1 का, और यहाँ पे डिवाइड होगा 8 की पावर 2 का। अब इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, ईजिली रहेगा 8 की पावर 0 का, क्योंकि हम मालूम है कि किसी पे भी यदि 0 पावर है तो उसका मतलब होता है 1। वो कोई भी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि 0 पावर है तो उसका मतलब ओनली 1 होगा। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में, और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो 40, और 47 कितना हो जाएगा 40 और प्लस 7, तो 47 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपके पास 8 की पावर 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, तो पॉइंट में जाएगा, और 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंच 40। यहाँ पे हम 8 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 अठेंगे 64 का, तो आप 64 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 47 0.25 + 0.0 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 6 18 36 6 कुछ आ जाएगा आपका, 6.360 440 बचे फिर से, हाँ मतलब लगभग आपका यही समथिंग आएगा। तो इसमें आप मल्टी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे
6 और 5 6 11 2 3 4 7 ये आपका यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, किसका, ऑक्टल नंबर सिस्टम का, ऑक्टल टू डेसिमल में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर लिया है। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि हमने ऑक्टल टू डेसिमल कर लिया है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम आएगा वो आपका 0 से 9 के बीच में आ सकता है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में जाने से पहले हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जब हम नंबर कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्टल टू बाइनरी जाना होता है, और जो बाइनरी में नंबर सिस्टम जो आएगा उसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में जाने के लिए। सेकंड स्टेप रहता है बाइनरी में जो हमारे पास नंबर आया है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना। तो हम फर्स्टली देखेंगे फर्स्ट स्टेप को, जो कि हमारा क्या रहेगा, ऑक्टल टू बाइनरी। जब हम ऑक्टल टू बाइनरी जाएंगे तो हम नंबर लिख लेंगे 2 बाइनरी में। बाइनरी का नंबर बेस होता है आपका 2। तो यहाँ पे ऑक्टल के लिए हमें 3 बिट का यूज करना है। यहाँ पे हम देखेंगे 3 बिट में, तो 5, अब हमें 3 बिट में किसकी, ऑक्टल में मैंने बोला था कि आपको 8 को नहीं लेना है, ओनली 4 टू 1 को बेस लेना है। तो 5 के लिए हमें हेल्प लगेगी किसकी, 4 और 1 की। तो यहाँ पे हम 4 के नीचे 0 लिख देंगे, सॉरी 4 के नीचे 1 लिख देंगे, 4 के नीचे 1 लिख देंगे हम किसमें, ऑक्टल टू बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी में हम चेंज करेंगे तब, तो हमने 17465 को लिया है। तो हम देखेंगे कि 5 हमारा बनता है 4 और 1 से, तो हमने 4 के नीचे 1 लिखा है और 1 के नीचे 1 लिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बेस नंबर हम ले रहे हैं, 8 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 टू 1 को बेस नंबर मानेंगे। तो हमने देखा कि हमें 5 बनाना है तो 4 की हेल्प लगेगी और 1 की हेल्प लगेगी। इसी तरह से 6 को लिखना है हमें तो 4 और 2 की हेल्प लगेगी, तो हमने 4 के नीचे 1 लिख दिया और 1 के नीचे 1 लिख दिया है। 4 के लिए हमें करना है तो हम 4 को ले लेंगे, बाकी सबके नीचे 0 लिख देंगे। 7 के लिए हमें तीनों की हेल्प लगेगी, यानी कि 4 2 1 की हेल्प लगेगी, तो हमने तीनों के नीचे रिस्पॉन्स 1 लिख दिया है, और 1 के नीचे ओनली हमें 1 की ही हेल्प लगेगी, यानी कि 1 रिस्पॉन्स चाहिए तो ओनली 1 का, चूँकि यहाँ से हमें 1 ही चाहिए पड़ेगा। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, तो 7 के लिए हमें 4 2 1 तीनों की हेल्प लगती है, यानी कि तीनों के नीचे रिस्पॉन्स आएगा। 3 के लिए हमें 2 और 1 की ही ओनली हेल्प लगती है, तो हम 3 के नीचे 2 0 1 1 लिख देंगे। 0 में कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और 5 के लिए हमें 4 और 1 की हेल्प लगेगी, 4 के लिए ओनली 4 का रिस्पॉन्स चाहिए पड़ेगा, बाकी सबके नीचे 0। ये हमारा बाइनरी में आ गया, यानी कि हमारा किस में आ गया, ये बाइनरी में हमने लिख दिया है ऑक्टल नंबर को। अब इसको हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में, इसको हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। और मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में हमें 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, 4 बिट का। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये बाइनरी में नंबर सिस्टम था, यानी कि ऑक्टल टू बाइनरी हमने किया। अब हम इसी नंबर को चेंज कर देंगे हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल के लिए हमें कॉम्बिनेशन जो बनाना पड़ता है वो 4 बिट का। तो हमने देखा राइट टू लेफ्ट, कौन से पार्ट में, इंटीग्रल पार्ट में हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट में बनाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो अब हम यहाँ से ले लेंगे जी, यानी कि ये, और इसमें हम यहाँ से लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो बेस नंबर लेना है, या जो हमें रिस्पॉन्स जिसकी हेल्प से लेना है, वो लेना है 8421 की हेल्प से। तो अब आप देखते जाइए जिसके नीचे रिस्पॉन्स 1 लिखा है, यानी कि वो नंबर वहाँ पे एग्जिस्ट है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा ये। ये हमारा हो जाएगा 15, और 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये हो जाएगा हमारा 1। देखो 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम आगे ले सकते हैं 0। तो ये किसका हो जाएगा, 1 का, क्योंकि ये भी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 8421 की हेल्प से हम नंबर से ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप देखिए 8421। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें किस किस के नीचे है, 8 4 2 के नीचे मिल गया, मतलब 8 4 12 और 2 14, और 14 को हम क्या लिखते हैं, ई से रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ पे हमें 8-4 के बीच नीचे मिल गया रिस्पॉन्स 1, तो हम 8-4 12 और 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। यहाँ पे हमें मिला 4 और 1 के बीच में, मतलब 5 का, और यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 डिजिट का है, 3 बिट ही आया है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 और 0, यानी कि ये 4 का बन गया कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 8 के नीचे रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 8। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमने किसने, बाइनरी टू, ये क्या था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिला है हमें, हम लिख देंगे 5 3। एफ को हम 15 को हम लिखेंगे एफ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का यूज हो रहा है, जो कि हमें नहीं लेना है, रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे हमारा हो गया ई सी 5 8। ये नंबर आ गया हमारा कहाँ से, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। जब भी हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाएंगे, तो हमें बीच में किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दूसरा कन्वर्जन। तो हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए जब भी हम डेसिमल से किसी भी नंबर में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर में जा रहे हैं उसी का डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रल पार्ट में सबसे पहले, तो इंटीग्रल पार्ट हमारा रहेगा, ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, और ये हमारा क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम सबसे पहले लेंगे इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, 15। इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 का, क्योंकि हम जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी में, तो 2 का हमने डिवाइड किया, 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 का डिवाइड करेंगे 15 में, तो 217, 27 जा 14 होता है, 14 में 1 बच गया अब हमारा, क्योंकि 14 है और 15 हमें चाहिए, तो 1 बच गया, ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि कैरी लेते जाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे बना हमारा क्या, 2 3 6, यानी कि 3 बार जा रहा, लेकिन 1 बच रहा है। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 में, तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2। ये नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए जी। अब हमें जब लिखना होता है इंटीग्रल पार्ट में, तो हम जाते हैं लोअर टू अपर, क्योंकि नंबर हमारा जो मशीनरी लैंग्वेज है वो क्या समझता है, 0 और 1 के रिस्पॉन्स में। तो हमें ये 1 1 के रिस्पॉन्स में मिल गया, किस पार्ट में, इंटीग्रल पार्ट में, टेक इंटीग्रल पार्ट। अब हम लेंगे कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम डिवाइड नहीं करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, 0.812, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का। तो आप देखेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब चूंकि ये 1 आ गया इस साइड, और हमें लेना है नंबर को 0 और 1 के फॉर्म में, तो हमने ये उठाया, इसको लिख दिया 1 यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 तो वहाँ चला गया, तो हमारे पास बचा 0 6 2 4। ये मेथड्स होती हैं जब हमें क्या करना होता है, नंबर कन्वर्जन। तो आप देखेंगे 2 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 12 1, इसको फिर हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो हमारे पास बचेगा 0.248, इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 का, 16 चौके 8 9 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे, और इस 0 को हम यहाँ पे ले लेंगे 0 को। अब आप ये हमें मैक्सिमम 5 टाइम्स तो करना ही है, क्योंकि हमें ये नंबर चाहिए होता है 0 1 के फॉर्म में, तो हम 5 टाइम्स तो करें ही करेंगे। 6 2 12 18 19 21 2 4 8 9, यहाँ पे हमारा पास फिर से बचा 0, तो हमने 0 लिख दिया। अभी 4 टाइम्स हुआ, 1 टाइम्स और हम करेंगे, 1 टाइम अगेन। यहाँ पे हम देखेंगे फिर से हमारे पास क्या आ गया, 2 9 18 2 9 18 19, यहाँ पे हमने ये ले लिया 1। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट में जो रहता है, हमें जब लेना होता है नंबर रिप्रेजेंटेशन, तो हम लिखते हैं अपर टू लोअर, अपर टू लोअर में जाते हैं। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा फाइनल, वो आएगा आपका, हम किस में कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी में। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा 1 1 1 1, और यहाँ से हमें लेना है 1 1 0 0 1। यहाँ पे हम तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम 5 टाइम्स तो करना ही है।
तो ये नंबर हमारा किस में हो गया, डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि बाइनरी में हमारे पास वन और जीरो ही आवश्यकता होती है, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे, जो कि आपके पास रहेगा डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में हम देखते हैं कि हमें अब जाना है ऑक्टल में, तो हम फिर से ये हमारा इंटीग्रल पार्ट रहेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, तो हम इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, लेकिन 8 का, जिस नंबर में हम जा रहे हैं डेसिमल से। तो यहाँ पे हम 8 का डिवाइड करेंगे, 8 ये 24 और 24 बच्चे कितनी 6, 8 ना 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 64 ज़्यादा होगा, 8 साथ ही 56, 56 4 3 7, यहाँ पे हमारे पास 7 बचेगा, फिर 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ पे हमारे पास 3 बचा, और ये चूँकि 8 का डिवाइड 4 में तो जाएगा नहीं, तो इसी 4 को हम यहाँ लिख देते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा लोअर टू अपर। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई में फ्रैक्शनल पार्ट में, तो 8 दुनी 16 8 दुनी 16 17, 8 3 24 25, यहाँ पे 2 का रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा 2.576, और यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 576, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 का, तो 8 6 48 बची 4, 8 7 56 60, 6 8 45 और 6 46, ये 4 हम फिर से यहाँ ले लेंगे और रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा 608, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 का, तो 8 8 64 बची 6, तो 6 का तो 0 हो जाएगा, 8 6 48, फिर से हमारे पास आ गया 4, और हम यहाँ पे फिर से ले लेंगे 8 6 8 6 4 मल्टीप्लाई 8 का, तो 8 4 32 बची 3, 8 6 48 और 3 कितना हो गया 51, 5 बचा 8 8 64 और 5 69, फिर 6 ले लेंगे हम, ये मैक्सिमम 6 टाइम करना है, इसलिए हमारा ये बड़ा हो रहा है, लेंथी लग रहा होगा आपको, बट 6 टाइम तो आपको लेना ही, 5 टाइम तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंटेशन है तो कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये हम जा रहे हैं कहाँ से, डेसिमल टू ऑक्टल में, तो जो मैक्सिमम डिजिट रहेंगे वो 7 तक आ सकता है, यानी कि 0 से 7 के बीच में आपके यहाँ पे नंबर आ सकता है। 8 दुनी 16, 8 1 8 1 9, 8 9 72, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7, तो ये 5 टाइम्स हो गया, यहाँ पे हमें लेना है लोअर अपर टू लोअर, यहाँ पे हम क्या लेंगे अपर टू लोअर लिखेंगे जब लिखेंगे तो। अब देखिए आप यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन किया है किसका, डेसिमल टू ऑक्टल में, तो आपका ये रहेगा रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रल पार्ट का 4 3 7, एंड इसका रहेगा आपका 2 4 4 6 7, ये आपका आ गया है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये नंबर कन्वर्जन हो गया है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे जिसमें आपके पास रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी इसी तरह से हमें करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 16 का, ये इंटीग्रल पार्ट रहेगा हमारे पास, ये क्या रहेगा इंटीग्रल पार्ट रहेगा जिसमें हम डिवाइड करेंगे 16 का, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 का फ्रैक्शनल पार्ट में, तो आप देखिएगा 16 1 16 2 32 हो जाएगा, 32 और 5 16 3 48, यहाँ पे 7 बचा, 16 1 16 यहाँ पे कितना बचा 4 3 7, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे हम लोअर टू अपर जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 5 80 8, 16 6 96 96 और 8 कितना हो जाएगा 104, 10 बचा आपका, 16 3 48 48 58, यानी कि आपके पास ये आ गया, यहाँ पे हमें 5 लेना पड़ेगा डिजिट, फिर से हम लिखेंगे तो 0.840 लिखेंगे और इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 16 का 4 में करेंगे तो चूँकि 64 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 16 8
128 और 6 कितना हो जाएगा आपका 134, तो यहाँ पे 13 आ गया। इस 13 को हम लिखेंगे यहाँ पे, और 13 का रिप्रेजेंटेशन होता है डी, क्योंकि दो डिजिट तो हमें लेनी नहीं है तो हम इसको डी से लिख देंगे। फिर हमारे पास कितना बचा है, 0.440 इंटू 16 को मल्टीप्लाई फिर से हम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 जी, तो यहाँ 7 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 040। फिर से 16 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैक्सिमम है 5 टाइम्स करना है ये, और 0 हो जाएगा, 16 चौके 64, 6 हो जाएगा जी, यहाँ से हमारा 0 चला जाएगा, और फिर से हमारे पास आ जाएगा 0640। इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 16 चौके 64, 6, 16 छक्का 96, 16 चौके 64, 16 दिन 32 16 तेरह 16 चौके 64, 6, 16 छक्के 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा आपका 102 जी, तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, और 10 को हम लिखते हैं ए, 10 को हम लिखेंगे ए सी रिप्रेजेंटेशन। ये 5 टाइम्स हो गया है आपका, तो इसका नंबर कन्वर्जन जो रहेगा वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में यहाँ पे आपका कितना आया, 177, और यहाँ पे आपका आ गया 5D70A। ये आपका किस में रहेगा, 16 बेस रहेगा। दोबारा से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसी को, 1775D70A, ये आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब आप देखेंगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल के सारे कन्वर्जन, यानी कि हेक्साडेसिमल इसके आगे वाली स्लाइड में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जी। 1 के नीचे 0 लेना पड़ेगा हमें, जी हम जा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। तो हमने ई का रिप्रेजेंटेशन किया, और ई का मतलब होता है 14, तो 14 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, और 1 के नीचे 0। 9 के लिए हमें लेना है, 9 लिखना है तो हमें 8 और 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर से हमें 8 और 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, तो फ्रैक्शनल पार्ट में 2 के नीचे, तो डायरेक्टली 2 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी 0 हो जाएगा। F मतलब होता है 15, F का मतलब हो गया 15, और 15 के लिए हमें सारे नंबर्स को ऐड करना होता है, तो सभी के नीचे रिस्पॉन्स 1 आ जाएगा। A मतलब हो गया 10, और 10 के लिए हमें क्या पढ़ना है, 8 और 2 की हेल्प चाहिए पड़ेगी। तो ये बाइनरी में नंबर कन्वर्जन होता है, इसको हम सही ढंग से लिख देंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ये नंबर सिस्टम कौन सा हो गया, ये नंबर कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। क्योंकि बाइनरी का मतलब है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही आए, तो ये हमारे पास आ गया है आपका 2 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हुआ है जी। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में हम देखेंगे, जैसा हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया था उसमें हमें बाइनरी की हेल्प लेनी पड़ी थी, अब हम यदि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जा रहे हैं तो इसमें भी हमें बाइनरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें पहले हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम बाइनरी टू ऑक्टल जाएंगे। इसमें स्टेप मैं लिख दे रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हेक्साडेसिमल से हमारा रहेगा बाइनरी में, और इसके बाद ही हमारा क्या रहेगा, बाइनरी टू, इसके बाद हमारा रहेगा बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। तो हम जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाते हैं तो हमने बोला था कि 4 बिट का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो सी का मतलब हो गया, सी का मतलब है हमारा 12,
और 12 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता, 8 4 को जोड़ दो तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। ए का मतलब होता है 10, तो 10 को हम लिखते हैं 8 और 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 8 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1। 9 को हमें 8 और 1 की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरह से डी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, डी मतलब हो गया 13, और 13 के लिए हमें चाहिए है 8 4 और 1, तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। 8 के लिए तो हमें ओनली 8 की आवश्यकता पड़ेगी, नंबर वही ले रहे हैं, बेस नंबर जो हमने लिया था रिप्रेजेंटेशन के लिए 8421 की हेल्प ले रहे हैं हम। यहाँ पे 3 के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए पड़ेगा, 2 और 1 की हेल्प, बाकी सबके नीचे हम 0 लिख देंगे, यानी कि हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए है जिसके लिए वो उसके लिए हमें 1, 2 और 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये आ गया बाइनरी में, कहाँ से ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हमें इसको चेंज करना है ऑक्टल में, यानी कि बाइनरी टू, अब हम जाएंगे बाइनरी टू ऑक्टल, तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 3 बिट का। अब 3 बिट का हम कॉम्बिनेशन लेंगे कहाँ से, बाइनरी से ऑक्टल के लिए, बाइनरी से ऑक्टल के लिए हमें 3 नंबर का कॉम्बिनेशन पीछे से लेना है, इंटीग्रल पार्ट में यहाँ से और फ्रैक्शनल पार्ट में इस साइड से, तो हम 3-3 का कॉम्बिनेशन बना जा देंगे 3 बिट का, यहाँ पे हम 3 बिट का कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे नंबर हम लेंगे ऑक्टल के लिए, कौन सा नंबर लेना हमें, 4-2-1 की हेल्प लेनी है, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स किसके नीचे लिए मिला है, 1 के नीचे, 4 के नीचे, तो 4 हो जाएगा ये, यहाँ पे 4 और 1 के नीचे यानी कि 5 नंबर है ये, यहाँ 4 और 2 मतलब 6 नंबर है, और यहाँ पे 4, यहाँ हम देखेंगे 4-2 के नीचे ही मिल रहा है तो 6 हो गया, यहाँ पे 4 और 2 यानी ये फिर से 6 हो गया, ये 0-0 है, और यहाँ पे हमारा 2 और 1 के नीचे है यानी कि 3 डिजिट हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा बाइनरी टू ऑक्टल में, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल के लिए क्या मिला हमें, 4-6-5-4-6-5-4 और यहाँ पे 6-0-3, ये हमारा आ गया बाइनरी से ऑक्टल के लिए। ये पूरा कन्वर्जन कहाँ से, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें वही करना पड़ेगा जो इसके पहले वाले, जैसे हम जिसमें भी, जैसे बाइनरी से हम डेसिमल में गए थे, फिर हम गए थे ऑक्टल से उसमें हेक्साडेसिमल और डेसिमल में, तो हमने क्या किया था कि जिस नंबर से हम जा रहे थे उसी का मल्टीप्लाई किया था और फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और हमें चेंज किस में करना है, डेसिमल में, तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो बेस है उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 16^0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस, और ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें ये इंटीग्रल पार्ट है तो इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ्ट जाना है और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट टू राइट जाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ई का मतलब होता है हमारा 14, ई का मतलब है हमारा 14, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 16^1 में। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो 16^1 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, और यहाँ पे ए का मतलब है 10, तो यहाँ पे 16^2 का डिवाइड होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 16^0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6 ही आएगा, और 14 का मल्टीप्लाई 16 में होगा, 16^1 का मतलब 16, तो 14^6 का, या आप 16 का भी पढ़ सकते हो, 16^64, बची कितनी 6, और 16^1=16 और 6 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 16^ का, तो यहाँ पे आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ 2 में तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 और 0 लेना पड़ेगा, तो दशमलव आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 16^1=16, फिर 4 बची तो 16^3=48 ज़्यादा हो जाएगा, 16^2=32 और फिर कितना बचा 8, तो 16^5=80, ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 16^2 यानी कि 10 में डिवाइड होगा 256 का, 10 में डिवाइड होगा 256 का, तो यहाँ आप कर भी सकते हैं, 10 में डिवाइड कर दीजिए 256 का, तो इसमें तो जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा,
अब 256 का करना है तो लगभग 250 आप ले लें उससे आगे फिर, तो 250 का यदि आप चार बार करेंगे तो 1000 आएगा, यानी कि तीन बार आपको करना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि 256 है। और फिर आपका कितना हो जाएगा ये, मतलब यहाँ तक हम लेते हैं, इसके बाद आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, आगे घर पे भी कर सकते हैं, मेथड आपको बता दी हमने, तो आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका लिया है 224 और 6 कितना हो जाएगा 230, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.03, यानी कि आपके पास आ जाएगा 53251, लगभग यही आएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये जीरो तो आएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव भी नहीं लेना है, यानी कि आपको इसको ऐड कर देना है। अब आप ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा रिजल्ट 230 something 155, ये आपको मिल जाएगा डेसीमल में, कहाँ से, हेक्सा डेसीमल टू डेसीमल नंबर सिस्टम में। तो आपने सारे कन्वर्जन देख लिए है, बाइनरी टू आपने देखा डेसीमल, बाइनरी टू आपने देख लिया है ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा डेसीमल, इसी तरह से, यानी कि हर एक नंबर का, यानी कि चार हमारे पास नंबर सिस्टम में रहते हैं, बाइनरी, ऑक्टल और डेसीमल, हेक्सा डेसीमल, इन चारों के तीन तीन कन्वर्जन बनते हैं आपस में। तो 12 कन्वर्जन आपने देख लिए हैं इस तरह से, ये आपका नंबर कन्वर्जन और नंबर सिस्टम और इसके कन्वर्जन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और इसी तरह से आप हमारे साथ में बने रहिएगा आगे भी।